हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है, तो फुल डे की फास्टिंग को इजी बनाने के लिए मैंने बनाया है यहाँ पर हेल्दी और एनर्जी देने वाला ड्राई फ्रूट मिक्स। तो चलिए देखते हैं ड्राई फ्रूट मिक्स मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पैन में लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी। उसमें मैंने 100 ग्राम बादाम डाले हैं, जिन्हें मैं लो टेम्परेचर पर रोस्ट करूँगी। बादाम भूनने के लिए 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। बादाम रोस्ट हो गया है तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैंने उसी पैन में 100 ग्राम काजू लिया है, जिसमें मैंने घी नहीं डाला है। इसको भी हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। काजू का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसे भी निकाल लूँगी। यहाँ पैन में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी और उसमें 100 ग्राम मूंगफली को मैं रोस्ट करूँगी। मूंगफली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मूंगफली को भूनने में भी 2 से 3 मिनट का समय लगा है। यहाँ मैंने पैन में 1/2 चम्मच देसी घी फिर से लिया है और इसमें हम डालेंगे स्लाइस्ड किया हुआ कोकोनट। यहाँ मैंने फ्रेश कोकोनट का यूज़ किया है, आप चाहे तो ड्राई वाला गोला भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश कोकोनट को भूनने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसे रोस्ट करने में मुझे 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। कोकोनट भी रोस्ट हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे। सेम पैन में मैंने 1/2 टेबल स्पून घी लिया है, इसमें मैं 50 ग्राम मखाना डालकर रोस्ट कर लूँगी। मखाने को रोस्ट करने के लिए मुझे 2 से 3 मिनट का समय लगा है। मखाना रोस्ट हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। पैन में 1/2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम पम्पकिन सीड्स, उसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद यहाँ मैंने डाला है 50 ग्राम सनफ्लावर सीड्स, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने इसमें डाले हैं 50 ग्राम वाटरमेलन सीड्स। रोस्ट करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर हाई ना हो, जिससे कि हमारे सीड्स जल सकते हैं। अब लास्ट में मैं इनमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून वाइट सेसमे सीड्स। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे सीड्स का कलर चेंज हो चुका है, इट मीन्स ये भून चुके हैं अच्छे से। इन सबको हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बड़ा बोल लिया है, जिसमें मैं सभी ड्राई फ्रूट्स मिक्स करूँगी। अब सभी रोस्टेड सीड्स भी हम इसमें डाल लेंगे। डालेंगे अपने टेस्ट अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च का पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारा ड्राई फ्रूट मिक्स। आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करके इसे मीठा टेस्ट भी दे सकते हैं। आई होप आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।